तो हेलो इंडिया, सुप्रभात की हालचाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई। आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह 5 बजे से उठा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट आ रही है, कभी जा रही है। और सुबह 5 बजे से क्या कर रहा हूँ, मतलब सारे घर को मैंने तराई करी, पानी शानी दिया, और अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8:30। मतलब एक अपना मजदूर भाई आ चुका है, बाकी वाले आए नहीं है। सभी को बोला है कि 8:30 बजे आपको आना ही आना है, क्योंकि दोपहर को ना बहुत ज्यादा टाइम मिलता है इनको फ्री बैठने का। और आपको बताना, आज मेरी 10 दिन मजदूरी का तीसरा वाला दिहाड़ी लगाने का दिन है, कुछ ऐसे बोल सकते हैं। 10 दिन मैंने हार्ड वाला चैलेंज लिया, आपको बताना, यहाँ में मजदूरी करने का, दिहाड़ी लगाने का। और आज अपने 1500 रुपया बन चुके हैं, आपको बताना, 3 दिन हो चुका है मेरे को यहाँ पे काम करते करते। लो भाई, वीडियो बनाना शुरू करी, घर से आवाज आ गई, अंकुश दूध पी ले, बड़ा ख्याल रख रहे हैं घर वाले। ठीक है भाई, आज ना बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करने वाले हैं, पूरा दिन यहाँ पे धूप में, वो सारा आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। वैसे मेरा ही घर बन रहा है भाई, बता दूं जो नए आए हैं वीडियो पे, मैं अपने घर पे ही काम कर रहा हूं कि मैं पतला हो जाऊं, सही है ना? तो ठीक है दोस्त, आज का दिन शुरू करते हैं लेके कान्हा जी का नाम, जय हो कान्हा जी की। चलो भाई, गर्मा गर्म ना 1 लीटर दूध पीते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, सही है ना? लो भाई, ऐसा नहीं है मैं अकेला काम कर रहा हूँ, नानी मेरी भी काम कर रही है। और नानी सब बढ़िया? राधे राधे, राधे राधे। आज मामी घर पे नहीं है ना, तो सारा काम नानी कर रही है यहाँ पे, गोबर शोबर उठाना, जितना भी झाड़ू पोछा, झाड़ू नहीं मतलब गोबर शोबर साफ करना। और भाई साहब, राधे राधे। 10 मिनट लेट हो चुके हो आप, कोई बात नहीं लेट जाओगे 10 मिनट, सही है ना? राधे राधे जी, राधे राधे। कल भाई साहब पार्टी दी है ना इनको, सभी खुश है, मतलब चेहरे दिख रहे हैं ना सभी के, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, और इनको लग रहा है कि आज भी पार्टी मिलेगी, बट आज नहीं मिलेगी, अभी मिलेगी जब काम फिनिश होगा। जी आ रहा हूँ, मासी आ रहा हूँ, ढक के रखना, पता चले चिड़िया दूध पी के चली गई। भाई साहब चेकआउट करो, मेरे मोहल्ले के बच्चे ना इतने ज्यादा मेहनती है, इतनी ज्यादा मेहनती है ना, पढ़ने के साथ साथ देखो कितने ज्यादा काम कर रहे हैं। मतलब अभी ना इन्होंने यहाँ पे सब्जी उगानी है, दिख रहा है ना, सुबह सुबह बेचारे काम कर रहे हैं। और मेरी मासी आवाज लगाई जा रही है, भाई दूध पी ले, दूध पी ले। आ रहा हूँ मासी, आ रहा हूँ भाई। अपने साथ ना पोपट हो गया आज, मतलब मामी घर पे नहीं है ना, मासी को पता ही नहीं है मैं कितना दूध पीता हूँ, एक गिलास दे दिया ओनली, बस आज मैं एक गिलास के हिसाब से ही काम करने वाला हूँ। ठीक है भाई, पी लेता हूँ फटाफट, पता चले बैस दूध का नॉन वेज बन गया, मतलब मक्खी बीच में घुस गई तो नॉन वेज हो जाएगा भाई घर में। लो भाई साहब चेकआउट करो, आ चुके हम दिहाड़ी लगाने के लिए, और मिस्त्री भाई साहब भी आ गए। राधे राधे मिस्त्री भाई साहब, राधे राधे जी। और भाई साहब चाय पी लो आके। मैं ना फर्स्ट वाला मजदूर हूँ जो रोज नहा के, मतलब नए नए कपड़े चेंज करके आता है, क्योंकि अपना ही घर है। और आपको ये जान के ना ताजुब होगा, मैंने ना अपने घर का 3D मॉडल बनाया, पूरी रात लगा दी कल, मतलब पूरा बन गया, अभी आधा बन चुका है, आधा बचा हुआ है। मैं ना आपको दिखाऊंगा कि ऐसा घर कुछ बनने वाला है। और आज का अपना मेन काम होने वाला है, जो स्टोर है ना उसके ऊपर शर्ट डालनी है, स्टोर के ऊपर शर्ट पहले डाली जाती है, पता नहीं कुछ ऐसा सीन है, मुझे भी पता नहीं है, मिस्त्री भाई साहब बोल रहे थे, मैंने मान लिया, सही है ना? चलो भाई दिखाते हैं आज क्या स्पेशल होने वाला है, आज अपना तीसरा दिन है ना मजदूरी वाला, मैंने आपको बता ही दिया। चलो भाई साहब, सुबह 2 घंटे हो चुके हैं, जितने भी मजदूर सेना है ना सारी यही पे लगी हुई है, पता नहीं कर क्या रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब सुबह से क्या कर रहे हो यहाँ पे? भाई एक चीज मैंने और गलत देखी, मतलब जो कि सरासर मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है, ये जो आधा पिलर मतलब फिलिंग करते हैं ना, उसके बाद ये नेक्स्ट डे फिलिंग करते हैं उसकी, जो कि सरासर गलत है भाई, दिख रहे ना? और मिस्त्री भाई साहब राधे राधे। और भाई आज जो अपना मेन काम होने वाला है ना वो दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे चल रहा है, अभी मैंने कल बोला था ना कि नीचे वाली चिनाई खत्म हो चुकी है, अभी थोड़ी ना हार्ड वाली आने वाली है, मतलब मजदूरों की जरूरत ना थोड़ी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ईंटें नीचे से ऊपर रखनी है, ऊपर से और ऊपर, बहुत ज्यादा काम पड़ने वाला है। और अपना आज जिस स्टोर दिख रहा है ना यहाँ पे लेंटर डलने वाला है इतना, और मिस्त्री भाई साहब राधे राधे जी, दिख रहा है ना इतना लेंटर, अरे सारा लेंटर डलना है इसके ऊपर, ओके कुछ ऐसा होने वाला है। इवन कि जे लेंडर बड़ा क्यों डाला जाता है, इसके ऊपर सामान रखा जाए, मेन जो लेंडर होगा ना वो अभी 4-5 फीट ऊपर डलने वाला है, मतलब पता नहीं कुछ घर वालों ने बोला है। हाँ जी, मिनी लेंडर, ये शायद ये पतला पतला लेंडर होने वाला है, कुछ ऐसा ही है। बट यार सोचो कि घर वाले बोल रहे हैं कि इसके ऊपर सामान रखना है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर रखेंगे कैसे भाई, इतना तो ऊंचा है एक तो पहले, ठीक है जो सोचा होगा घर वालों ने अच्छा ही सोचा होगा भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने ये सोचा हुआ था, मैंने सोचा लैंडर ना थोड़ा नीचे रखेंगे, मैं ऐसे सामान मतलब कोई, मेरी चलो हाइट अच्छी है, मैं तो सीढ़ियां भी चढ़ जाऊंगा, बाकी वाले कैसे चढ़ेंगे ऊपर,
ठीक है, एनीवेज जो भी हो रहा है सही हो रहा है, आज अपना फर्स्ट लैंटर डलने वाला है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। चलो भाई जो होगा सो देखा जाएगा, आज तगड़ी वाली धूप पड़ रही है तो आज अपनी जम के धुलाई होने वाली है, मेहनत। मेरे को ना उस लैंटर की ना समझ नहीं आई है, मामा जी मेरे को लेके जा रहे हैं समझाने के लिए। ये बड़ा नहीं है मामा, अच्छा इधर इधर तो नहीं पड़ने वाला लैंटर, इधर मेरा पड़ रहा है लैंटर पर, तो सारा इच्छा मंगा लिया उठा मंगा लिया इधर मर्जी मंगा लिया, तो पर कहाँ तक पड़ने वाला है वो, गार्डर तक, ये वाला गार्डर या वो वाला, यहाँ तक, फिर इसके ऊपर सामान रखेंगे तो पर एक बंदा घुसना पड़ेगा ना इसके अंदर, अच्छा सीढ़ियाँ लगानी पड़ेगी। ठीक है भाई अब समझ आया, मतलब सीढ़ियां लेके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर ऐसे ना 4 फीट जगह स्पेस होगी लैंटर और इस वाले लैंटर के बीच में, फिर जाके सामान आगे रखना पड़ेगा, मतलब जो घर का खुफिया सामान होगा ना वो यहाँ पे रखेंगे जो कम यूज होगा। ठीक है भाई समझ तो मेरे को पहले से थी, मैं देखना चाहता था कि घर वाले इसमें क्या अलग बताते हैं। देखो भाई ये फायदा होता है वीडियो बना के, मैं बोलता हूँ ना कमेंट कर देना जो गलती हो रही है। भाई कल मैंने वीडियो बनाई थी ना आपको पूरा मॉडल बताया था कि यहाँ पे सीढ़ी बनने वाली है, सीढ़ियों के नीचे हम टॉयलेट बनाने वाले हैं, काफी सारे लोगों ने कमेंट करे कि भाई इसका वास्तु दोष होता है। फिर बाद में मैंने देखा जब यूट्यूब में वास्तु दोष है क्या चीज है, फिर मेरे को पता चला कि वो ना आपके लिए सही नहीं रहता, मतलब घर में एज ए साइंटिफिक तरीके से देखे तब भी सही नहीं होगा और शास्त्रों मतलब कुछ ऐसा देखे तब भी सही नहीं रहता। मैं आपको समझाता हूँ पूरा, मतलब सीढ़ियों के नीचे ना टॉयलेट नहीं बनाया जाता, वो ना मतलब शुद्ध, फिर आ गया अशुद्ध, मतलब वो ना सही नहीं रहता बंदे की, मतलब कुछ वास्तु दोष होता होगा। मैंने काफी सारे वीडियो देखे यूट्यूब में फिर मेरे को पता चला, शुक्र है आपने कमेंट कर दिया, नहीं तो मेरे को पता नहीं चलता कि वास्तु दोष भी कोई चीज होती है। तो अभी हमने डिसाइड करा है घर के अंदर कोई टॉयलेट नहीं बनने वाला है, वो सामने गाय माता दिख रही है ना ये वाला पेड़ हम तोड़ने वाले हैं, अभी बारूद बम होते हैं ना बारूद का इंतजाम हो रहा है, बारूद डालेंगे इसमें उड़ा देंगे इसको, मजाक कर रहा हूँ, मतलब अभी सोचेंगे कोई, मतलब बहुत मैंने गांव के बुजुर्ग लोगों से पूछा हुआ है इसे कैसे तोड़ना है, कैसे इसे मतलब काटेंगे, किसी को पता ही नहीं है यार, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ कटते हुए किसी ने देखा, मतलब इवन की जेसीबी खुदाई करके तोड़ती है, तो यहाँ पे जेसीबी लाएंगे सारा का सारा, मतलब इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा, हम नहीं चाहते यहाँ पे जेसीबी आए और इसे तोड़े, हम इसे कटवाएंगे, कश्मीरी आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े मतलब आरे लेके उनसे कटवा लेंगे। मैं ये बता रहा था कि वो यहाँ पे बाइक लगी हुई है ना वहाँ पे अपना टॉयलेट सब कुछ बन जाएगा, वहाँ पे टॉयलेट आएगा उसका मतलब गटर आएगा और यहाँ पे पानी वाली टंकी आएगी, कुछ ऐसा ही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है भाई, थक गया, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सीढ़ियों के नीचे हम टॉयलेट सीट फिट नहीं कर रहे, प्लान चेंज हो चुका है भाई, बाद में ज्यादा आ रहा है यार, पर आर्किटेक्चर ने पता नहीं कैसे रख दिया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो सामने दिख रहा है ना वो मेरा दोस्त है, आपको याद है ना मेरे पास आता है, मतलब उसके बाल नहीं उग रहे सर के ऊपर, कल मेरे को पूछ रहा था, हेलो मेरे दोस्त क्या कर रहा है तू, गाय माता की सेवा कर रहा है, बिल्कुल सही सही भाई सही कर रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना सामने, कल मेरे को पूछ रहा था अंकुश, मतलब तेरे सब्सक्राइबर ना तेरी यूट्यूब फैमिली कोई काम की नहीं है, कुछ मतलब इलाज बताती नहीं है, बाल उग ही नहीं रहे उसके, तो कल आया था मेरे पास, बिल्कुल सही, गाय माता की सेवा करनी चाहिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे चेकआउट करो, लेंटर डालने से पहले मिट्टी डाली जा रही है, मिस्त्री भाई साहब ये मिट्टी क्यों डाल रहे हैं बताइए जरा, कच्चा, कच्चा लेंटर डालोगे इसके ऊपर डालोगे छत, अच्छा भाई अब जाके मिस्त्री भाई साहब ने बताया कि मिट्टी क्यों डाल रहे हैं, मतलब ये ना लेवल करना है पूरा बराबर, आपको पता है ना फट्टे ऊपर नीचे हैं तो ये मिट्टी डाल के ना पूरा बराबर हो जाएगा, कुछ ऐसा ही है। कोई नहीं साहब सभी के लिए ना खुशखबरी है, पूछो क्या क्या और पूछ लो भाई, आज ना श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, 16 श्राद्ध होते हैं ना अभी, पता क्या खुशखबरी है, मतलब अभी ना रोज मोहल्ले से ना कोई खाने के लिए बुलाएगा दावत पे, दावत तो नहीं बोल सकते ये तो पितरों का होता है ना, पितरों को पहुंचाना पड़ता है, मतलब तब भी ना मोहल्ले वाले बुलाते रहेंगे खाने के लिए, क्योंकि मैं मामा के घर रहता हूँ ना मेरा जरूरी है, वो बोलते हैं 100 ब्राह्मणों के समान हूँ मैं यहाँ पे, कुछ ऐसा ही है, तो मेरे को ना सारे बुलाएंगे रोज मजे से खीर मिलेगी खाने के लिए, बट आज किसी ने बुलाया नहीं है, फर्स्ट डे शायद भूल गए होंगे। हाँ जी शराब थोड़ा भी लाएंगे, भले इनकी डिमांड पता क्या होती है कि बाबा लोग जिनकी श्राद्ध हो रहे हैं ना वो शराब भी पीते थे, हमें शराब भी पिलाओ, ऐसा थोड़ा ना होता यार, ये शुभ कार्य हो रहा होता है, सही है।
पर ये ना बीड़ी का मंडा ले लेते हैं उनसे मांग के कि आपके जिनके दादा का आप शराब कर रहे हो ना वो बीड़ी भी पीता था इवन की पता नहीं क्या क्या आप खुद से जोड़ लेते हैं सारा। शराब थोड़ा ना देगा कोई, फिर शराब नहीं पुण्य नहीं होगा। काली युग है पुण्य चलता है भाई। सही बताओ ना, असली वाली कसरत होती है जब ये घास वाली मशीन चलाता हूँ ना, घास कुतरने वाली, एंड ये देती है पूरा गांव वाला फील। क्या मस्त फील आता है ना। चलो भाई थोड़ा काम कर लेता हूँ मैं भी। श्री राम। भाई मैं ना आपको सुजेशन देना चाहता हूँ, कोई भी मजदूर लगाओ अपने घर, बीड़ी वाला मत लगाना, नहीं तो टाइम हो जाएगा। मतलब अगर दिन में 10 बीड़ी पी रहे हैं, एक बीड़ी पीने में 10 मिनट लगाते हैं, सोचो 1 घंटा लेगे भाई। तो इसलिए मेरा बीड़ी वाले बंदे कभी मत लगाना। अपने बंदे बीड़ी नहीं पीते हैं, वैसे पीते हैं सारे। ठीक है मामा, मैं आया मंजा लेके आपके लिए खाट। सही है मामा। मामा को ना यहाँ पे खाट लगा के देंगे कि ताकि इनके ऊपर थोड़ी नजर रखे यार। अगर ये पीछे वाला कोई पीछे चला जाता है ना, वो दिखता ही नहीं है पूरा दिन। भाई साहब मुझे नहीं पता था कि मैं खाना खाने के लिए चला जाऊंगा और इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब समझ नहीं सकते क्या नुकसान हो गया। मतलब जिससे मैं बनाया ना आर्किटेक्चर, वो अभी आए थे यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया ना, सुबह से काम लगा हुआ है हमारे स्टोर का पूरा, मतलब तैयार भी हो चुका है। और अभी चेकआउट करो, वो जैसे आया उसने सारा तोड़वा दिया। बोल हमने रखा है यहाँ से, मतलब ऐसा बना हुआ है ना, पहले आपने चेक करा होगा, इसके ऊपर यहाँ से सामान रख सकते हैं। इवन कि यहाँ पे ना कोई प्लास्टिक की या फिर रहती है ना एल्युमिनियम की कोई सीढ़ी बना के लगा सकते हैं। बट वो मिस्त्री अभी बोल रहे हैं आर्किटेक्चर कि इसका ना गेट यहाँ से नहीं रखना है, मतलब यहाँ से पूरा लेंटर डाल के यहाँ पे इसका गेट रखना है। पहले बंदा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे सामान रखेगा, मतलब ऊपर जाके। उसका मानना यह है कि आपका ना कुछ खुफिया सामान होगा, अगर कोई उस वाले रूम में आएगा तो उसको नजर आता रहेगा, अगर उस साइड से दिखेगा तो कुछ ऐसा ही है। पर कौन आ रहा है मेरे घर यार, अंदर थोड़ा ना घुसेगा कोई स्टोर में, और हमारे पास कौन सा खुफिया सामान है यार, मतलब सारा तुड़वा दिया यार। 5 बंदों का पूरा 3 घंटे की मेहनत बेकार चली है। 11 बज चुके हैं, 8 बजे लगे थे भाई आने के बाद, मतलब 3 घंटे की मेहनत 1 सेकंड में बेकार कर दी उसने। ठीक है, अभी मैंने बोला है फिर से भाई जैसा था वैसा बना दो, मतलब क्या बोलूं यार, अभी समझ नहीं आ रहा। आज के बाद आर्किटेक्चर को कभी नहीं बुलाने का, एक तो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रही मेरी। पूरे गांव में जितने भी है ना, सभी के ऐसे ही हैं जैसे हम बना रहे हैं, वो पता नहीं कैसा उल्टा सा बनाया जा रहा है। दिख रहा है ना, अभी फिर से वैसा बन रहा है जैसे सुबह 9 बजे बन रहा था। और मामा आपको याद है ना, सुबह से लग गया मिट्टी डालने के लिए, कितना बुरा लग रहा होगा। इवन कि यहाँ से भी कितनी सारी ईंटें तोड़नी पड़ी हमें। ये पहला घर है जो बन कम रहा है, टूट ज्यादा रहा है भाई। ठीक है, आज के बाद आर्किटेक्चर यहाँ पे कभी नहीं आएगा, सारा काम ही खराब कर गया यार। फिर से मिट्टी डालो है ना। भाई आज ना एक चीज आपने नोटिस करी होगी, राजू ना ऐसे आपको मिल रहा होगा जैसे मालिक होता है ना, खाट पे बैठा होगा मजे से, आपको लग रहा होगा मतलब दिहाड़ी लगा या नहीं लगा है। भाई साहब आज नहीं लगा है, कल की इससे इतनी दारू पिला दी है ना, मतलब कल पार्टी थी लास्ट टाइम, मतलब हमारे घर आया था ना अपना हिस्सा लेने के लिए, मतलब रात को मैंने दिखाया था सूट पैंट पहन के आया था। उसके बाद गाँव में पार्टी थी, यहाँ पे इतनी सारी दारू पार्टी चल रही थी, मतलब गाँव के जो जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग है ना, बड़े बड़े बोले तो जो एज लोग हैं, मतलब यंग लोग हैं जैसे हमारे यहाँ पे दिहाड़ी लगे हैं, सारे गए थे वहाँ पे, खुले पैग मारे है ना राजू। पैग पिए तूने? नहीं पिए। तो मामा ने तेरे को दिए रात को? कितने पैग पिए तूने? 4। और परावा 4 कम है क्या बोल रहे? 4 पैग है वो भी कम है, तो आज इसे शायद इसके ना पेन हो रहा है तेरे, दर्द हो रहा है कहाँ पे? अच्छा बोल रहा पेट में दर्द हो रहा है, ज्यादा पी रखी है, तो इसलिए आज दिहाड़ी पे नहीं आया भाई, बस दूर से देखे जा रहा है। ठीक है चलो भाई, अभी ना देखो अभी तो काम चल रहा है वो वाला, अगर वो आर्किटेक्चर टाइम पे नहीं आता, हम लेंटर डाल देते तो कम से कम हमारा थोड़ा टाइम बच जाता। अभी आधा टाइम हो चुका है, चलते हैं भाई खाना खाने के लिए। मेरी बहन आ चुकी है मुझे बुलाने के लिए, चले खाना खाने। चलो तो मेरे
पहले तो चेकआउट करो, फाइनली अपना हाफ टाइम कंप्लीट हो चुका है, खाना शाना हो चुका है और आज ना गुड न्यूज है, अपना फर्स्ट लेंटर डलने वाला है। बेशक स्टोर का सही बार डल रहा है तो अभी ना मीठा कुछ भी नहीं है इमरजेंसी में, क्योंकि अभी जल्दबाजी में डालना पड़ रहा है ना, तो मीठा लेने के लिए अड्डे के ऊपर जाना पड़ेगा रोड के ऊपर। तो अभी चीनी से काम चलाते हैं, सही है ना। चलो भाई मुहूर्त करते हैं अपने घर का। चलो भाई देवी और बाकी वालों, फाइनली आज ना अपने लिए बड़ा खुशी का दिन है। फाइनली आज अपने घर की ना फर्स्ट वाली लेंटर डल रही है, वो चाहे स्टोर की क्यों ना डल रही हो। और ये जा रही है भाई फर्स्ट वाली कढ़ाई, कान्हा जी का नाम लेके ना घर की शुरुआत कर दी है, क्योंकि आप कान्हा जी का नाम लेना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा भाई घर बढ़ने से ज्यादा ना टूटे जा रहे हैं। आपने देखा होगा भाई पहले हमने वो वाला चेंज करा, सुबह जब इंजीनियर साहब आए थे उसने वो वाली दीवार तुड़वा दी है सारी की सारी। इवन की फिर आएगा ना मैं उसे बोलूंगा भाई तू मेरे घर को मतलब चेंज मत कर, जैसा बन रहा है वैसे बढ़ने दे। तो फाइनली चली गई भाई अपनी पहली कढ़ाई और कान्हा जी का नाम लेके शुरुआत हो चुकी है। और भाई और अभी ना एक छोटी सी गलती और हो गई थी हमसे, मतलब यहाँ पे ना हम दीवार खड़ी करने वाले थे, लास्ट टाइम पे हमने दीवार हटाई है क्योंकि यहाँ पे ना सीढ़ी आने वाली है ऊपर की ओर, और अगर हम यहाँ पे दीवार रख लेते ना फिर ये वाली स्पेस ना सारी कवर हो जाती, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब सीढ़ी यो 11 फीट ऊपर रहेगी और बीच में इतनी ज्यादा स्पेस खाली रहेगी ना। तो अगर दीवार नहीं होगी कम से कम यहाँ पे वॉशिंग मशीन मतलब फ्रिज रख सकते हैं, और भी अगर बाद में टॉयलेट बनाने की योजना हुई तो वो भी रख सकते हैं सही यहाँ पे। अगर यहाँ पे दीवार रहती तो कुछ नहीं बनता भाई। ये भगवान टाइम पे मैं घर आ गया, नहीं तो बाद में अगर मैं घर बना हुआ देखता इतनी सारी चेंजिंग करनी पड़ती तोड़ना पड़ता तो मैं तो वैसे ही टूट जाता सही है ना। अभी एक चीज मेरे को और नजर आई है, इसके ऊपर पहले मैंने सोचा था ऐसे करके बनाऊंगा, वो सारा चेंज कर दिया। इवन की वो वाली दीवार है ना यहाँ अंदर जाने का रास्ता है वो भी कम ही है, थोड़ी दीवार यहाँ भी तोड़नी पड़ेगी। तो सबको लग रहा होगा पीछे वाले मजदूर भाई ना मेरे से ज्यादा काम कर रहे हैं, बट एज ए रियलिटी आप सच्चाई देखोगे ना मैं उनसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। आपको बताया ना जब भी मैं घर की ओर देखता हूँ ना कोई मेरे को गलती दिखी जाती है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए और क्या क्या गलतियां, सुबह से मैं सच्ची सोचे जा रहा हूँ। तभी ना मैं जब भी कोई दीवार देखता हूँ ना उसमें दो तीन गलतियां होती है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि उन भाई लोगों से ना ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ भाई, दिमाग से बड़ा पेन हो रहा है। ये बात ना आप तब रियलाइज करोगे जब आप अपना घर बनाओगे, जब आपने बना लिया फिर आप इस बात को ना बारीकी से समझ रहे होंगे कि मैं टाइम पे ना कोई चीज पकड़ रहा हूँ कि ये गलती है। शुक्र है फर्स्ट टाइम दिमाग यूज कर रहा हूँ भाई, नहीं तो बिना यूज किए हुआ दिमाग का मोल तो बहुत ज्यादा होता है, बट मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ सही है ना, तभी पेन हो रही बहुत ज्यादा। ठीक है अभी टाइम हो चुका है दोपहर का अभी अपना टाइम होने वाला है दोपहर वाली चाय पीने का, उसी टाइम मिलता हूँ, थोड़ी रेस्ट कर लेता हूँ। सच्ची बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, थोड़ा गीला ज्यादा हो गया सही है। लो भाई चाय आ चुकी है, चलो भाई चला जा भाई। दिख रही है ना चाय देखने के बाद ना सभी के चेहरे पे ना मुस्कान आ जाती है, एक तो भाई सभी का रिचार्ज हो जाता है, दूसरा है कि थोड़ा बैठने का टाइम भी मिल जाता है। ले मासी डॉल ओके मासी दिखे गिरे ना नीचे। चलो भाई चाय पी लो चाय। भाई सबसे ज्यादा निगरानी पता मेरी नानी रखती है कि कोई गलती ना हो, कोई बंदा बैठा ना हो, सब पे निगरानी रखती है मेरी नानी। चलो भाई गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं उसके बाद करते हैं बचा हुआ काम। अभी ना मतलब इतना ज्यादा मसाला बनाया हुआ था उसमें ना दो तीन कढ़ाइयां बच चुकी है, उसके लिए फिर से मसाला बनाना पड़ रहा है। मतलब सोचो कि स्टोर बनाने में भी इतना टाइम लग रहा है, लेंटर डालने में कितना टाइम लगेगा। वो तो चलो बाद में हम वो क्या मिक्सर लेके आएंगे सारा काम हो जाएगा। आखिरकार दोस्तों शाम हो ही गई, आज मेरी तीसरी दिहाड़ी थी यहाँ पे, अपने अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है पूरा 1500 रुपया। एंड क्या हालत हो जाती है शाम तक, आपने देखा होगा सुबह कितना हेयर स्टाइल बना के आया था कि ना कूल डूल लग रहा था, एनर्जी थी भाई। अभी शाम हो चुकी है मतलब ऐसी बीगी बिल्ली जैसी हालत हो चुकी है। एक तो आपको बताया ना मैंने काम भी करा है, दूसरा अपना माइंड इतना ज्यादा यूज कर रहा है ना थक गया यार शाम तक। और अभी मैंने ना हर जगह लाइट फिट कर दिया, वो मैं आपको रात को दिखाऊंगा क्या मस्त वाली लाइट सिस्टम करा है, मतलब 2 घंटे लगा दिए मैंने, हर जगह लाइट सिस्टम है, वो रात को दिखाऊंगा सही है ना। तो अभी भाई साहब 5-6 मिनट बचे हुए हैं 6 बजने को, और भाई अभी टाइम पास हो रहा है, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा काम हो रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ टाइम पास, सॉरी,
मतलब आने वाले दिन ना और ज्यादा मुश्किल आने वाले हैं, क्योंकि अभी ना नीचे वाला काम हुआ है, मतलब नीचे वाली चिनाई हुई है अभी ना, जैसे ऊपर चिनाई हो रही है ना, अरे पाइप के ऊपर पैर रख दिया सॉरी मैंने, मतलब जैसे अभी ना ऊपर चिनाई हो रही है ना, तो उसके लिए ना मजदूर भाई साहब थोड़े ज्यादा चाहिए, क्योंकि नीचे से सामान पहले ऊपर रखा जाएगा, फिर ऊपर एक बंदा ऊपर रखेगा, ईंटें भी चाहिए, मतलब बहुत सारा काम होगा, बहुत सारा मतलब टफ वाला काम होता है, मुश्किल वाला काम। तो आने वाले टाइम में मुश्किल वाला काम आने वाला है, कुछ ऐसा ही है। और जे वाली, अरे बीड़ी नहीं बोल रहा मैं, स्माइल बोल रहा हूँ, जे वाली स्माइल ना वो स्माइल है जब पूरा दिन मतलब इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद घर जाने का मौका मिलता है ना, अरे स्माइल करो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हा हा मिस्त्री भाई साहब कर रहा हूँ, नहीं मिस्त्री भाई साहब के चेहरे पे मुस्कान आई ना, वो बयान कर रही है कि भाई पूरा दिन मतलब पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है, अब जाके छुट्टी मिली है, घर जाने का मौका मिला है। ठीक है मेरे दोस्त, कल मिलते हैं, राधे राधे जी।